नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो पे टाटा मोटर्स के चार्ट को एनालिसिस करेंगे कल के मार्केट के लिए और कौन से साइकोलॉजी देखने को मिल रहे हैं, बाई करना है या सेल करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, कैंडलस्टिक के प्राइस के हिसाब से, पिवोट के लेवल्स भी क्या बता रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो पे एक्सप्लेन करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते जाए। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन देखना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन 327.70 आज के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ओपन 330 पर है और जो हाई पॉइंट है वो 331.85 है। इसे नोट डाउन आपको करना चाहिए क्योंकि प्रीवियस डे हाई है जो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करते हैं, और जो लो है वो 322.70 है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन लगभग आप कह सकते हैं एक साइडवाइज पे रहे। तो नेक्स्ट अब क्या आपको चार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं स्टॉक में एक अप ट्रेंड फेज है। अगर आप डेली पे जाए या तो आप मंथली के चार्ट्स को देखें या वीकली के चार्ट्स में देखें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फेज है। अगर इस अप ट्रेंड फेज के बाद अभी जो सिचुएशन है लास्ट 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन से वो एक टाइम वाइज करेक्शन में है, और 30 मिनट्स के चार्ट में अगर लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो एक ही जगह पर रेंज आउट कर रहे हैं। मेजर जो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक है वो 334.20 है, या तो आप कह सकते हैं 334 है। 334 को जरूर नोट डाउन कीजिए। जब तक 334 के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं करते हैं, 5 मिनट के 15 मिनट के कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें प्राइस एक्शन देखने की कोशिश कीजिए, एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज होने की को देखने को कोशिश कीजिए। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑटो सेक्टर का भी परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऑटो सेक्टर भी ट्रेंडिंग होना चाहिए तो ही आप टाटा मोटर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसे फेस करना है, अगर ये 334 के ऊपर चले जाए और सस्टेन हो जाए तो 340 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। 340 ज़रूर नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। 340 इसके फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, या राउंडिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 340। अब पिवोट पॉइंट के हेल्प से देखने की कोशिश कर सकते हैं, करते हैं कि अगले कोई टारगेट्स मिलते हैं या नहीं, वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं और वहां से एक समरी लेने की कोशिश करते हैं। सो इस वक्त मैंने ऑलरेडी पिवोट पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। आपके राइट साइड में जो पिवोट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो कल के मार्केट के लिए होंगे, और आज के जो पिवोट पॉइंट्स ऑलरेडी आज के जो मार्केट हो चुके हैं उसके पिवोट पॉइंट्स आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे। अब प्रीवियस डे को देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी वाइड CPR आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे पॉइंट है पिवोट के जो रेंजेस हैं वो भी थोड़ी सी वाइड है, मगर उसके तुलना में कल जो मार्केट आने वाला है वो थोड़ा सा नैरो रेंज पिवोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस आपको एक नैरो CPR भी देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि नैरो CPR जब भी होते हैं तो डेफिनेटली एक चीज मान के चलना होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट जरूर अगले दिन हो सकते हैं। और क्योंकि एक नैरो रेंज पे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 भी है तो डेफिनेटली एक शार्प ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं कल। जरूर टाटा मोटर्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस 1 मुझे देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पिवोट पॉइंट्स वो 332.55 है। आप राइट साइड को देख सकते हैं 332.55, और जो मैंने कैंडलस्टिक के हिसाब से रेजिस्टेंस प्लॉट करके वो 334 है। तो जनरली ट्रिगर पॉइंट आपके लिए 334 ही होने वाला है। 334 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते हैं तब तक आपको ट्रेड करना नहीं है। बुलिश हूं यहां पे क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड फेज में है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पिवोट पॉइंट्स आ जाते हैं वो डेफिनेटली 336.75 है, और जो तीसरे रेजिस्टेंस है वो 341.70 है। आप कह सकते हैं 341 ऑलमोस्ट ले सकते हैं, तो सेकेंड टारगेट मेरे लिए 341 लगभग आप कह सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आप रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 2 के बीच में आप रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 339 को आप एज ए फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले 334 आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है, दूसरे पॉइंट है स्टॉप सॉरी टारगेट आपके लिए 339 है, दूसरे टारगेट 341 या 342 है। स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं,
जो यहाँ पे सीपीआर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, या जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 327.70, इसे आप एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या तो सुबह जो ओपन होने के बाद जो मार्केट के लो बनेंगे उस लो को भी अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आपका नहीं है। सो आप भी जाके चार्ट को पढ़िए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है तभी जाके ट्रेड कीजिए, अदरवाइज इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पस आप देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टाटा मोटर्स के रिलेटेड, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।